हेलो स्टूडेंट्स, HLB टीचर क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए, मैं हिंदी विषय के अंतर्गत आपका अगला पार्ट लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है उपसर्ग। तो देखिए, आइए, उपसर्ग किसे कहते हैं? दिया है उपसर्ग का अर्थ एवं परिभाषा। कहते हैं उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उपधन सर्ग। उप का अर्थ है समीप, निकट या पास में होता है, जबकि सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना, यानी वे वर्ण या शब्दांश, वर्ण समूह जो किसी शब्द में पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या नवीन विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे आपके हार शब्द दिया है, हार के पहले अगर प्रा उपसर्ग लगा दिया जाए तो आपका नया शब्द बन करके तैयार हो जाएगा, जिसका नाम है प्रहार बन जाएगा, जिसका नया अर्थ होगा मारना। यानी प्रा उपसर्ग के लगने से हार का प्रहार हो गया और प्रहार का अर्थ हो गया मारना। तो देखिए, उपसर्ग के बारे में आपको जानकारी हो गई। आइए हम उपसर्ग के भेद, यानी कौन कौन से भेद उनके होते हैं, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो उपसर्ग मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला दिया है संस्कृत के उपसर्ग, यानी पहला प्रकार है संस्कृत के उपसर्ग, जिनको तत्सम शब्द कहा जाता है। जिनको क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द। तो आइए, संस्कृत क्या है? ये उपसर्ग अपने मूल रूप में संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं, यानी संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं। इनका प्रयोग उन तत्सम शब्दों में होता है जो हिंदी में व्यवहार में लाए जाते हैं, इन्हें तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। संस्कृत के उपसर्गों की संख्या 22 मानी गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है, कंपटीशन की परीक्षा में एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उनसे पूछा जाता है कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो इनकी उपसर्गों की संख्या है 22 मानी गई है, एक नंबर में ये कंपटीशन में पूछा जाता है। आइए, हमारा दूसरा प्रकार कौन सा है? हिंदी के उपसर्ग। पहले आपने क्या देखा कि संस्कृत के उपसर्ग, उनको तत्सम कहा जाता है, उनकी संख्या कितनी है? 22 है मुख्य रूप से। आइए हम हिंदी के उपसर्गों की संख्या जानते हैं। हिंदी के उपसर्गों को दूसरे रूप में कहते हैं तद्भव शब्द। क्या कहते हैं? तद्भव शब्द। हिंदी के उपसर्ग मूलतः संस्कृत से ही विकसित हुए हैं। इनका प्रयोग तद्भव शब्दों के पूर्व होता है। इनकी कुल संख्या, यानी तद्भव शब्दों की कुल संख्या कितनी है? 10 है। ये भी एक नंबर में कंपटीशन की परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो उनके अंतर्गत कौन कौन से हिंदी के उपसर्ग हैं, आइए हम जानते हैं। पहला है आ, दूसरा है अन, तीसरा है अध, चौथा है उन, पांचवा औ, छठा औ, सातवां दू, आठवां नी और नौवां बिन है, भर है, कु है, का, सा, सु आदि हिंदी के प्रचलित उपसर्ग हैं। तीसरा हमारा दिया है, तीसरा प्रकार हमारा दिया है, तीसरा प्रकार है आगत उपसर्ग। आगत उपसर्ग से कहते हैं जो विदेशी भाषा से अपने हिंदी भाषा में आते हैं, उनको हम आगत उपसर्ग कहते हैं, जो हिंदी के उपसर्गों के तीसरा प्रकार है। कौन सा? आगत उपसर्ग। कहते हैं विदेशी भाषाओं के वे उपसर्ग जिनका प्रयोग हिंदी में होता है, आगत उपसर्ग कहलाते हैं। इन्हें विदेशी उपसर्ग भी कहते हैं। अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं के उपसर्ग हिंदी में अत्यधिक प्रचलित हैं,
इनमें खुश शब्द दिया है, ना है, सर है, बद है, कम, गैर, दर, बिला, बे, हम, हर, डिप्टी आदि प्रमुख हैं। ये कौन से उपसर्ग हैं? आगत उपसर्ग हैं। तो आइए इन तीनों प्रकार के अंतर्गत आपकी परीक्षा में कौन से उपसर्ग पूछे जाएंगे उनको क्रमवार दिया गया है। नोट के माध्यम से लिखा है, नवीन पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा के दो उपसर्ग हैं, यानी जो हिंदी भाषा के उपसर्ग होंगे परीक्षा में वो दो हैं। कौन कौन से हैं? आ और अन हैं। तथा संस्कृत भाषा के नौ उपसर्ग हैं, उन नौ में से कौन कौन से हैं? आद्य है, अप है, अन, उप, साह, निर, अभि, पर और सु को ही सम्मिलित किया गया है, इसलिए यहाँ इन्हीं से संबंधित अध्ययन सामग्री प्रस्तुत की गई है। तो आइए इन्हीं शब्दों के बारे में हम जानते हैं, हिंदी के दो उपसर्ग और संस्कृत भाषा के नौ उपसर्ग। चलिए आइए देखते हैं, संस्कृत एवं हिंदी के उपसर्ग। तो आइए देखते हैं, इनको तीन पार्टों में रखा गया है। कौन सा है? नंबर एक है उपसर्ग, दूसरा है उपसर्ग का अर्थ, और तीसरा है नवीन शब्द, यानी उपसर्ग से बना हुआ शब्द। तो देखिए, पहला हमारा हिंदी का उपसर्ग है आ, और इसका अर्थ है निषेध के रूप में प्रयुक्त होता है, और दूसरा जो प्रयुक्त होगा विरोध के रूप में, यानी आ अर्थ दो रूप में, पहला निषेध और दूसरा विरोध। तो देखिए, आप से बनने वाले शब्द हैं अविश्वास, यानी इसमें विश्वास नहीं रहता है, अदृश्य, अलिखित है, अहिंसा है, असुविधा है और अनाथ है। आपका दूसरा उपसर्ग कौन सा है? जो हिंदी का है वो है अन, यानी एक आ हो गया और दूसरा अन हो गया। अन का अर्थ है किसमें प्रयुक्त होता है? अभाव या निषेध। तो अन से बनने वाले शब्द देखिए क्या दिया है, अनाद दिया है, अनर्थ दिया है, अनाचार है, अनपेक्षित दिया है, अनुपस्थित है, अनंत है, अनभिज्ञ है, ऐसे शब्द हैं अन उपसर्ग से बने हुए। अब अगले हम देखते हैं कि जो संस्कृत भाषा से आए हैं उपसर्ग, उनके विषय में जानते हैं। तो देखिए, पहला कौन सा है? आदि दिया है। पहला कौन सा है? आदि उपसर्ग है। आदि के अंतर्गत अर्थ क्या है? एक तो प्रधान में प्रयुक्त होता है, दूसरा ऊपर और तीसरा श्रेष्ठ, यानी आदि शब्द प्रधान में, ऊपर और श्रेष्ठ में प्रयुक्त होता है। तो देखिए कौन से शब्द हैं? अधिकार दिया है, अधिपत है, अधिकरण है, अध्यादेश है, अधियुग है, अधिग्रहण है, अध्यक्ष है, अधिनायक है और अधिकृत। तो इस प्रकार से आपका संस्कृत भाषा से आए हुए शब्द पहला आदि हो गया। तो आइए दूसरा हम कौन सा उपसर्ग है? दूसरा दिया है आप, और ये किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? ये दूर के रूप में प्रयुक्त होता है, दूसरा आपका बुरा के रूप में दिया गया है, तीसरा विरोध के रूप में प्रयुक्त होते हैं, और चौथा है हीनता, यानी इन चारों दृष्टियों से आपका अप उपसर्ग प्रयुक्त होता है। इससे बनने वाले शब्द देखिए कौन दिया है? अपकार दिया है, अपवाद है, अपकीर्ति है, अगला है अपमान है, अपयश है, अपशब्द है, अपमानित है, अपव्यय है, अपहरण है, अगला शब्द दिया है अपकर्ष है, बहुत से शब्द हैं, अपराध है, अपशगुन है, अपकर्म है। तो इस प्रकार से अप उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। तो आइए तीसरा हमारा जो संस्कृत भाषा से आया हुआ उपसर्ग है, उसका नाम है अनु दिया है, और अनु किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? प्रत्येक के रूप में है, पीछे है, समान है, क्रम है। तो इससे बनने वाले शब्द हैं, पहला है अनुकरण दिया है, अनुरूप दिया है, अनुचर है, अनुभव है, अनुग्रह है,
अनुयामी है, अनुगामी है, अनुशासन है, बहुत से शब्द हैं, अनुगमन है, अनुक्रम है, अनुकूल है, अनुसरण है, अनुदिन, अनुरंजित है, अनुभूत है, अनुसार है, अनुज है, अनुवाद है, अनुराग है, अनुभूति है, अनुसंधान है, अनुमान है, बहुत से शब्द हैं। कभी कभी क्या होता है कि परीक्षा में आपके शब्द ही दे दिए गए होते हैं और कह दिया जाए कि अनुयामी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको बताना होगा सीधे कि अनुयायी में अनुप्रत्यय है, आपको तुरंत एक नंबर मिल जाएगा, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी आपके नंबर उपसर्ग में मिलना है और श्योर वो गलत नहीं होगा। तो आइए इसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं अगले उपसर्ग की ओर, जो हमारा दिया है अगला है उप उपसर्ग। ये किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? समान में प्रयुक्त होता है और निकट में। तो देखिए इससे बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं, उपनाम दिया है, उपवन है, उपमान है, उपकार है, उपदेश है, उपमंत्री है, उपहार है, उपयोग है, उपस्थित है, उपयुक्त है, उपवेद, उपभेद, उपसंहार है, उपचार है, उपनिवेश है, उपप्रधान है, उपाधीक्षक है। तो देखिए इन सब शब्दों में आपका कौन सा उपसर्ग लगा है? उप उपसर्ग लगा है, इसलिए यहाँ पर उप उपसर्ग सभी शब्दों में होगा। तो आइए अगले उपसर्ग की ओर बढ़ते हैं हम। अगला हमारा उपसर्ग दिया है सह शब्द दिया है। कौन सा दिया है? सह शब्द दिया है। तो सह शब्द का अर्थ किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? साथ के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो जब भी कोई शब्द होगा तो वो साथ में होगा। तो इससे बनने वाले शब्द देखिए कौन कौन से हैं। सहमत दिया है, यानी सबका विचार एक मत है, सहचर है, सहगायन है, सहपाठी है, सहकारी है, सहयोग है, सहगान है, सहयात्री, सहकर्मी, सहधर्मणी, सहयोगी है, सहोदर है यानी सगा, सहानुभूति है, ऐसे शब्द हैं। इनमें इन शब्दों में सह उपसर्ग लगा हुआ है। तो आइए इनके क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला हमारा दिया है निर दिया है। निर उपसर्ग है जो निषेध के अर्थ में प्रयुक्त होगा। एक निर दिया, दूसरा इसी का पार्ट है निर का ही, ये भी निर ही है लेकिन इसमें हलंत लगा है। एक निर का मतलब निषेध से है, दूसरे जिसमें हलंत लगा है उस निर का अर्थ है रहित या बाहर से। तो इससे बनने वाले शब्द हैं निर्दोष है, निर्धन है, निर्जन है, निराभिमान है, निराभिमानी है, निराकरण है, निर्मम है, निरपराध है, निर्भय है, निर्वाह है, निश्चल है, निर्जन है, निराकार है, निर्मल है और निर्जीव। तो निर उपसर्ग से बनने वाले इतने शब्द हैं, इसी में से आपको एक न एक शब्द मिल जाएगा जो कि आपके परीक्षा में दिया गया होगा, आपको पहचानना होगा किसमें कौन सा उपसर्ग है, या उपसर्ग दिया होगा आपको चार ऑप्शन में बताना होगा कि इस उपसर्ग से बना हुआ कौन सा शब्द है, आप तुरंत पहचान लेंगे, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा दिया है अभि उपसर्ग है। अभि का अर्थ है अभि का उपसर्ग है अगला हमारा उपसर्ग है अभि दिया है। अभि का अर्थ है सम्मुख है, निकट या ओर। ये तीन दृष्टिकोण से बनेंगे शब्द। तो इससे बनने वाले अभि है अभिमुख है, अभिसार है, अभिराम है, अभिनव है, अभ्यागत है,
अभ्युदय है, अभिलाषा है, अभिप्राय, अभिवादन, अभिमान, अभिशाप है, अभिज्ञान है, अभिजात और अभियोग। तो ये सब अभि उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। अगला हमारा उपसर्ग दिया है पर उपसर्ग। ये किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? एक तो पूर्ण होता है, दूसरा चारों ओर होता है और तीसरा आसपास होता है। इससे बनने वाले शब्द देखिए बहुत से आसान दिया है। परिताप है, परिजन है, परिग्रह है, परिवेष्टित है, परिकल्पना है, पर्यावरण है, परिणाम है, परिवर्तन है, परिपूर्ण है, परिगणित है, और अगला परिचय दिया है, परिमाण है, नाप तोल यानी परिधान है, परिक्रमा है, परिवहन है, परितोष और परिभाषा। पर से बनने वाले ये सारे शब्द हैं। तो आइए अगला जो हमारा उपसर्ग है वो दिया है सु। और सु किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? एक तो अधिक के रूप में, दूसरा अच्छा और तीसरा सहज के रूप में। तो सु से बनने वाला सु शब्द ही ये मान करके चलिए अच्छा श्रेष्ठ में प्रयुक्त होता है। तो दिया है सुरक्षा, सुपथ दिया यानी रास्ता है लेकिन अच्छा है, क्या कहते हैं सुपथ। अगला सुमुख दिया है, सुयश दिया है, सुकव्य है, सुभाषित है, सुशिक्षित है, सुदेश, सुकेश, सुनंद, सुवास, सुमार्ग, सुकर्म, सुधार, सुगम, सुलभ, सुशिक्षा है, सुपुत्र है, पुत्र है उसको सुपुत्र कहते हैं यानी अच्छा पुत्र है, सुजन दिया है, सुयोग्य है, सुडौल, सुदूर, स्वागत, सुपात्र, सुचारु और सुजान दिया है। तो ऐसे शब्द जो हैं ये सारे शब्द संस्कृत भाषा के हैं जिनकी संख्या निर्धारित है, इन्हीं के अंतर्गत आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आइए उपसर्ग के क्रम को आगे बढ़ाते हुए पहुँचते हैं। कुछ आगत उपसर्ग भी होते हैं जिनके अंतर्गत हम पढ़ते हैं। आगत उपसर्ग का मतलब होता है जो दूसरी भाषा से सीधे हिंदी में आते हैं, उन्हें आगत उपसर्ग कहलाते हैं। कौन कौन से भाषा से आते हैं? तो एक तो दिया है अरबी भाषा, दूसरा फारसी है, उर्दू के उपसर्ग हैं। एक तरफ स्वर दिया है, दूसरी तरफ अर्थ दिया और तीसरी तरफ बनने वाला शब्द दिया है। तो पहला हमारा दिया है कम दिया है। तो कम का अर्थ होता है थोड़ा या हीन, ठीक। आगे अब इससे कम उपसर्ग से जो आगत उपसर्ग है उसके अंतर्गत कम उपसर्ग है, और कम उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द हैं वो है कमजोर है, कमबख्त है, सब में कम लगा होगा, कम अग्ल है और कमसिन है। ऐसे शब्द हैं जो कम उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो आइए हमारा दूसरा जो दिया है उसको हम देखते हैं किस अर्थ में। दूसरा है खुश उपसर्ग है, एक इसका अर्थ होता है अच्छा के रूप में प्रयुक्त होता है। तो आइए देखते हैं उनसे बनने वाले शब्द कौन से हैं। खुश नसीब है, खुशबू है, खुशकिस्मत है और खुशहाल है। खुशहाल है यानी व्यक्ति का हाल कैसा है कि वो खुशहाल है यानी अच्छा है, इसीलिए इसका अर्थ खुश का है अच्छा, और इससे बनने वाला शब्द क्या हुआ खुशहाल। तो आइए अगला हमारा जो आगत उपसर्ग है जो दूसरी भाषा से आया है नंबर 3 पर है, गैर शब्द दिया है। कौन सा उपसर्ग है? गैर। गैर के अंतर्गत किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? विरुद्ध है और अभाव के, यानी दो दृष्टिकोण से वो प्रयुक्त होता है। इससे बनने वाले शब्द हैं गैर जिम्मेदार, गैर हाजिर। कहते ना कि आज कौन कौन नहीं आया है, कौन कौन लोग आए हैं और कौन कौन नहीं आए, तो जो नहीं आए उनको क्या कहेंगे, कौन कौन लोग गैर हाजिर हैं। तो वही है दिया है गैर हाजिर हैं। एक कानून बनाया जाता है कहते हैं गैर कानूनी, यानी कानून के खिलाफ है, इसको क्या कहते हैं गैर कानूनी है। जब कोई व्यक्ति दूसरे मुल्क से आता है कहते हैं ये तो भाई गैर मुल्क का है यानी दूसरे मुल्क का है और गैर सरकारी। ऐसे शब्द हैं गैर उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। अगला हमारा है चौथा उपसर्ग दिया है, चौथा उपसर्ग है ना।
ना का अर्थ है अभाव, दूसरे रूप में कम कहा जा सकता है। जैसे ना से बनने वाला शब्द है नामर्द है, ना समझ है, ना पसंद है, नादान है और नालायक है। अध्यापक कहते हैं बच्चा गलती करता है तो कहते हैं नालायक कहेंगे, ऐसे शब्द आते हैं। वो किस उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं? वो ना उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो आइए अगला हमारा दिया है, पांचवा हमारा दिया है बे। इसका बे उपसर्ग है, इसका अर्थ है रहित है, बिना या अभाव। इससे बनने वाले शब्द हैं देखिए, बेगुनाह दिया, बेपनाह दिया, बेकसूर दिया है, बेशर्म है, बेईमान है। अगला हमारा उपसर्ग है बद शब्द दिया है नंबर 6 पे। ये बुरा के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इससे बनने वाले शब्द हैं बदमाश है, बदनाम है, बदबू है, बदकिस्मत है, बदतर है। अगला हमारा जो दिया है उपसर्ग है वो है नंबर 7। 7 नंबर पर दिया है ला उपसर्ग है। ला का अर्थ किसमें है? रहित या निषेध में प्रयुक्त होता है। इससे बनने वाले शब्द हैं जैसे कहते हैं लावारिस। पहला शब्द क्या है ला से उपसर्ग बनने वाला? लावारिस। अब लावारिस का तात्पर्य क्या होता है कि जिसका कोई वारिस नहीं होता है। लापरवाह होता है यानी जो बहुत ही लापरवाह है। दूसरा है लाजवाब है, लाचार है और लाइलाज यानी जिसका कोई इलाज नहीं होता है, निषेध के अर्थ में प्रयुक्त होता है। 8वां हमारा दिया है सर, और सर का अर्थ है श्रेष्ठ या मुख्य के रूप में, या तो श्रेष्ठ होगा या मुख्य होगा। श्रेष्ठ के अंतर्गत दिया है सरपंच है, सरताज है, सरदार है, सर जमी है और सरकार है। अगला हमारा दिया है 9 दिया है, 9वां हमारा है 9 का है हम दिया है। हम के अंतर्गत दिया है किस अर्थ में प्रयोग होगा? समान या साथ वाला। तो देखिए हम से उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं हम उम्र है यानी बराबर उम्र का है, हम दर्द है यानी हमारा दर्द वो जानता है या बांट लेता है, हमराज है साथ चलने वाला, हम सफर, ऐसे शब्द हैं हम उपसर्ग से बने हुए। अगला दिया है आगस उपसर्गों के अंतर्गत 10वां हमारा दिया है अल, जिसका अर्थ है निश्चित। अगला शब्द है अल से बनने वाला अलबत्ता, अलगरज है, अलकायद है। 3 शब्द हैं अल उपसर्ग से बनने वाले शब्द। 11वां हमारा उपसर्ग है दर शब्द दिया है, इसका अर्थ है में, जैसे क्या दिया है दरकार है, दरमियान यानी उसके अंतर्गत, दरअसल, दर हकीकत, ऐसे शब्द दिए हैं। अगला हमारा और अंतिम है 12वां दिया है, अंतिम हमारा क्या है 12वां दिया है, 12वां हमारा दिया है हर दिया है। इसका अर्थ है प्रत्येक के रूप में। तो देखिए इससे बनने वाले हर से हैं हर दिन है, हर साल है, हर एक है, हर बार है, हर जाना है। तो आइए जो आगत उपसर्ग से दूसरी भाषा से आए थे उनको आप लोगों ने देखा, उनकी संख्या 12 है। और नोट के माध्यम से आपके सिलेबस में जो दिया है देखिए दिया है नवीन पाठ्यक्रम में आगत से 2 उपसर्ग लिए जाएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10 की। वो कौन कौन से हैं? वो ला है और हम ही सम्मिलित किया गया है। तो देखिए ला और हा सम्मिलित किया गया है, ला और हम, एक आपका ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। ये 2 ही आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो ला से रहित निषेध, लावारिस लापरवाह लाजवाब, और हम से हम उम्र, हमदर हमराज, यही 2 में से आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसके अतिरिक्त हमने आपको समझाने के लिए बता दिया लेकिन उसमें से पूछे नहीं जाएंगे, केवल ला आगत उपसर्ग के अंतर्गत ला और हम पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ अंग्रेजी के उपसर्ग हैं जो हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, आइए उनको हम जान लेते हैं। लेकिन परीक्षा में ये आपकी आएगा नहीं लेकिन जानकारी जरूरी है। तो देखिए पहला दिया है, पहला आपका उपसर्ग है
सब दिया है, और जिसका अर्थ है अधीन या नीचे, इससे बनने वाले शब्द हैं सब जज है, सब कमेटी है और सब इंस्पेक्टर है। दूसरा आपका दिया है डिप्टी, उपसर्ग है, ये अंग्रेजी का है, ये अंग्रेजी से आए हैं, अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। डिप्टी मतलब सहायक होता है, डिप्टी कलेक्टर कहते हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार कहते हैं और डिप्टी मिनिस्टर कहते हैं। अगला हमारा तीसरा जो दिया है वाइस, कई का अर्थ है सहायक, कहते हैं वाइस राय है, वाइस चांसलर और वाइस प्रेसिडेंट हो। चौथा हमारा जनरल दिया है, इसका मतलब होता है प्रधान, इससे बनने वाले शब्द हैं जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। अगला हमारा दिया है पांचवा दिया है चीफ दिया है, अगला हमारा उपसर्ग कौन सा है, चीफ है, जो अंग्रेजी भाषा सा है, इसका अर्थ है प्रमुख, इससे बनने वाले शब्द हैं चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर और चीफ सेक्रेटरी। अगला हमारा छठा दिया है हेड, हेड का मतलब होता है मुख्य, इससे बनने वाले शब्द हैं हेड मास्टर है, हेड क्लर्क है। तो इस प्रकार से आपका प्रत्यय जो है उपसर्ग जो है वो समाप्त हुआ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके जो हम उपसर्ग लाए थे वो आपको अच्छे लगे होंगे, कुछ बच्चों ने नोट भी किया होगा। तो ये समझ लीजिए कि आपकी बोर्ड परीक्षा में उपसर्ग और प्रत्यय आपके हाथ से छूटेंगे नहीं, आपको आ गए होंगे, समझ में आ गया होगा, तो जो भी आएगा वो लिख लेंगे। तो आइए नए नए आपको वीडियो आपके बोर्ड परीक्षा से संबंधित मिलते रहिए, इसलिए HLB डिजिटल क्लासेज को आप सब्सक्राइब कीजिए, और आपको प्रतिदिन एक नई वीडियो लेकर के मैं सत्यनाम वर्मा आपके पास उपस्थित होऊंगा। तो आइए फिर अगले टर्न पर मैं अगला वीडियो लेकर के आऊंगा। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।